और गुरुओं के भी गुरु वेद व्यास जी, उनके श्रीमुख से जो पहला श्लोक था गीता के महत्व के बारे में, तो उन्होंने क्या कहा है कि ये जो गीता रूपी शास्त्र है ये बहुत पवित्र है, अत्यंत पवित्र है, और इसको जो भी मनुष्य पढ़ेगा, इसका अध्ययन करेगा, वो मोक्ष को प्राप्त करेगा। विष्णु पदम, विष्णु पदम होता है भगवान विष्णु के चरणों में स्थान मिलेगा उसको, और भगवान विष्णु के चरणों में स्थान मिलने का मतलब है वो व्यक्ति जरा मरण से, जन्म मरण से सदा सदा के लिए उन्मुक्त होकर भगवान की सत्ता में ही विलीन हो जाएगा, तो उसको मोक्ष बोलते हैं। मोक्ष कोई ऐसा स्थान नहीं है कि जहां एक शरीर होगा, जहां संसार होगा, जहां बहुत सारी सुख सुविधाएं होंगी। हमारे शास्त्र, हमारा ज्ञान, हमारे दर्शन दूसरों की तरह ये दावा नहीं करते कि भाई वहां जन्नत में 52 गुर मिलेगी, फलाना डिंडा, ये नहीं है। सच्चा ज्ञान है कि आत्मा परमात्मा में विलीन हो जाएगी, ये मोक्ष है, ठीक है। तो पहले श्लोक में ये बताया गया है कि जो भी भगवद गीता का अध्ययन करता है वह व्यक्ति क्या प्राप्त करता है, मोक्ष, भगवान विष्णु के चरणों में स्थान प्राप्त करता है, और भय शोक का अधिवर्तित है। उस मनुष्य के जीवन से भय और शोक सदा सदा के लिए समाप्त हो जाता है, ना भय रहता है उसके जीवन में, क्योंकि वो सर्वव्यापी प्रभु को सर्वत्र देखने लगता है, समदर्शी हो जाता है, और जब व्यक्ति समदर्शी हो जाता है तो उसके जीवन से भय समाप्त। भय कब होता है, या तो हमें अपने मोह के कारण भय होता है, जब हमें मोह होता है ना तभी भय होता है, जिस चीज से मोह है वो छूट ना जाए, वो चीज नष्ट ना हो जाए, वो चीज हमसे दूर ना हो जाए। जैसे जीवन से मोह है तो मान लो कभी हम मर ना जाए, कोई हमें मार ना दे, इसलिए भय लगता है, या कोई हमारी प्रिय वस्तु हमारी जेब में कोई भी 1,000-2,000 रुपए कहीं गिर ना जाए, तो मोह है उस पैसे से, वो खो ना जाए, ये भय। तो भय जो है वो मोह का अगला स्टेप है। जिसको मोह नहीं है उसको भय हो ही नहीं सकता कभी, क्योंकि मोह ही नहीं है उसको, कुछ खोने का मोह है ही नहीं, ठीक है। तो भगवद गीता जो व्यक्ति अध्ययन करता है तो सबसे पहले उसका मोह खत्म हो जाता है, समाप्त हो जाता है। तभी तो उसने कहा नैनम छिंद्यन्ते शस्त्राणि नैनम दहति पावकः न चैनम क्लेदयत्यापो न शोषयति मारुतः। कि कैसा मोह, व्यक्ति तो नष्ट ही नहीं होता कभी, कोई मरता ही नहीं, कोई किसी को मार ही नहीं सकता, आत्मा अजर है, अमर है। कर्म की शिक्षा दी है भगवान श्री कृष्ण ने उसमें कि कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन मा कर्म फल हेतुर्भूमादि संगो अस्तु अकर्मणि। कि केवल कर्म करो, और कर्म ये नहीं जो हम कर रहे हैं, कर्म वो जो श्रेयस हो, जिनसे आपको गति प्राप्त हो, आपके आत्मा का अभ्युदय हो। असल में ये शरीर हमें आत्मा के मुक्ति के लिए मिला है, लेकिन हम उसको अपने भौतिक सुख में इसको खपा देते हैं, और यहीं पर मनुष्य गलती करता है। एक साथ एक समय पर वही 18 श्लोक जो आपको करा रहा हूं कई दिनों से, एक लय, एक छंद, एक